अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। चलिए, आज का ये वीडियो जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप अपना फोल्डर को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कैसे कर सकते हैं, वो भी किसी सॉफ्टवेयर के बिना। और दो मेथड बताया जाएगा इसमें, और एक सॉफ्टवेयर के साथ। तो चलिए, ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले आपने हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ देखिए लाल बटन है, यहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इस तरह का वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि आपके ज़रिए उनको भी पता चले नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से राइट क्लिक जाके एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ फोल्डर का नाम लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये फोल्डर तो क्रिएट हो गया। अभी डॉक्यूमेंट को खोलते हैं हम लोग। डॉक्यूमेंट को खोलने के बाद डॉक्यूमेंट के अंदर, ये फोल्डर के अंदर आपको राइट क्लिक करना है और एक नोटपैड खोलना है। तो यहाँ पर टेक्स्ट डॉक है, यहाँ से हम लोग एक नोटपैड खोलते हैं। नोटपैड का नाम कुछ लिख देते हैं, क्लिक टू सी, ये नोटपैड का नाम दे दिए। इस नोटपैड के अंदर में हमको कुछ कोड डालना है। ठीक है, तो कोड जो है मैं अपने चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप कैसे जाइएगा, जैसे मान लीजिए ये कोई वीडियो हमारा देख रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए ये वीडियो आप हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो के नीचे में देखिए एक सी मोर का ऑप्शन है, सी मोर के ऑप्शन में आप जाइएगा तो वहीं पर आपको ऊपर में मिल जाएगा तो डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नोट में एक कोड डालते हैं। कोड ये है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। और ये कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं जो हमने इसमें बनाया था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नीचे में यहाँ पे पासवर्ड कम्स हेयर, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है, जो भी आप पासवर्ड डालना चाहते हैं पेन ड्राइव में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, सेव एज, क्लिक टू सी के बाद टॉट देके लिखिए बैच, BAT बैच, एक्चुअली बैच फाइल है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको सेव कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। तो ये हमारा फोल्डर एक तैयार हो गया। तो ये जो फोल्डर तैयार हुआ, ये देखिए इस तरह का बैच फाइल का एक फोल्डर तैयार हो गया। डबल क्लिक करने, जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो एक प्राइवेट का नाम से एक फोल्डर आ गया। आप अपना नाम इसका चेंज कर सकते हैं, तो अभी इसका ज़रूरत नहीं, इसको मटा दे रहे हैं, बैच फाइल तो हम लोग बना ही चुके हैं। तो अभी प्राइवेट जो है यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ डॉक्यूमेंट डाल देते हैं जिसको हम लोग प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट यहाँ से कुछ ले लेते हैं, एक दो पिक्चर वगैरह कुछ भी ले लेते हैं। तो यहाँ से जाके हम यहाँ से पिक्चर लेते हैं, 1 2 3 4, ये पिक्चर हम लोग ले लेते हैं, डाल देते हैं। ठीक है, ये पिक्चर हम लोग डाल दिए,
डबल क्लिक जैसे ही करेंगे यहाँ पे देखिए बैच फाइल को, जैसे ही हम लोग डबल क्लिक यहाँ पे देखिए, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू लॉक द फोल्डर, तो हमको करना क्या है, यस आई एम श्योर, तो यहाँ पर इसी हमको वाई प्रेस करना है, वाई प्रेस करके इंटर कर देना है, ठीक है, इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद ये देखिए यहाँ से जो प्राइवेट नाम का फोल्डर था वो चला गया। अब हम इसको बंद कर देते हैं। अब देखिए ये जो डॉक्यूमेंट वाला जो फोल्डर बनाए थे इसको हम लोग डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए वो फोल्डर नहीं दिख रहा है जो अभी अभी प्राइवेट नाम का फोल्डर था। अभी हम इसको जैसे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बोलता है कि अपना पासवर्ड आप इंटर कीजिए, तो हमारा पासवर्ड था 1234 करके इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद ये देखिए प्राइवेट वाला फोल्डर आपके सामने आ गया, ये देखिए यहाँ पर जो जो फाइल था ये फाइल साथ में आ गया। ये तो हुआ एक मेथड। अब चलिए दूसरा मेथड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दूसरा मेथड भी बहुत सिंपल है, इसमें एक सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है जो आसानी से आपको गूगल में मिल जाएगा, WinRAR, WRAR जो फोल्डर है, तो वो जो इस तरह का ये वाला WinRAR इसको बोला जाता है, आर्चीव और एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज़ होता है। तो यहीं पे आपको करना क्या है, जैसे ये डॉक्यूमेंट को आपको पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है, ये दूसरा मेथड एक्चुअली, तो यहीं पे आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए ऐड टू आर्चीव में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए एडवांस में जाना है, एडवांस में जाने के बाद यहाँ पर सेट पासवर्ड है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपना पासवर्ड दीजिए, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम 1001 या जो भी आपको लिखना है लिख दीजिएगा 1001, देख लीजिए 1001 1001, यस ठीक है। अभी यहाँ पे ओके ओके कर देना है, तो जैसे ही हम लोग ओके करेंगे ये देखिए डॉक्यूमेंट का नाम से एक ठो फोल्डर बन गया है। अभी इसका ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग हटा देते हैं। ये वाला चीज अब पासवर्ड प्रोटेक्ट है, इसको हम लोग जब डबल क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक करने के बाद अंदर में देखिए डॉक्यूमेंट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट में जो प्राइवेट नाम का जो फोल्डर था वो है। अच्छा, इसमें हमारा चार पिक्चर था, इसको हम क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग कोई क्लिक करेंगे ये हमसे पासवर्ड मांगेगा। एक्चुअली वो मैंने यहाँ पे लोग देख सकते हैं कि फोल्डर में है क्या, पिक्चर फाइल है, लेकिन कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं कर पाएगा। देखिए पासवर्ड मांग रहा है, अब इसको पासवर्ड जब जैसे हम लोग मारेंगे 1001 ओके करेंगे तब देखिए खुला। तो इस तरह से हम लोग अपना पासवर्ड, अपना फोल्डर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।